जय हिंद एवरीबडी वेलकम टू बायोलॉजी क्लास क्लास इलेवेंथ चैप्टर फोर किंगडम एनिमेलिया सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा ओके सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ़ सब फाइलम वर्टिब्रेटा हमने सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि उसको किस किस तरह क्लासिफाई किया गया है उसके डिविजन्स क्या हैं देन सुपर क्लासेस एंड फाइनली क्लासेस अब आज हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ़ द डिफरेंट क्लासेस और इस इस लेक्चर में हम कवर करेंगे तीन क्लास कवर करेंगे फर्स्ट इज़ योर साइक्लोस्टोमा जो कि बिलोंग करता है एक नैथा को एंड सेकेंड एंड थर्ड इज़ योर कॉन्ड्रिक थाइस एंड थाई जो कि बिलोंग करता है पाइसिस को ओके सुपर क्लास पाइसिस को तो इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास साइक्लोस्टो साइक्लोस्टोमैटा नाउ द क्लास साइक्लोस्टोमैटा एज यू ऑल नो ये एक नैथा जो डिवीजन है उसको बिलोंग करता है दैट मीन्स कि इसमें जॉलेस फिशेज आती हैं इनके जॉज नहीं होते हैं टीथ नहीं होते हैं सो so, इसमें जो है ऑल द लिविंग मेम्बर्स ऑफ द क्लास साइक्लोसटोमेटा आर एक्टो पैरासाइट द ऑन सम फिशेज़ सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इसके जितने भी मेम्बर्स होते हैं लिविंग मेम्बर्स की बात करें तो वो एक्टो पैरासाइट होते हैं मीन्स वो स्किन uh, के ऊपर रहते हैं ठीक है एक्टो माने होता है ऊपर रहना बॉडी के uh, सतह पर ठीक है और जब वो एं, एंटर अगर बॉडी के अंदर कर जाते हैं सेल्स के अंदर तो उनको हम एंडो पैरासाइट कहते हैं तो ये एक्टो पैरासाइट्स होते हैं ऑन सम फिशेस कुछ फिशेस पे ओके दे हैव एन इलॉन्गेटेड बॉडी बियरिंग सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ऑफ गिल गिल्सलेट्स ठीक है इसमें जो है सिक्स टू फिफ्टीन पेयरस ऑफ गिल गिल्सलेट्स होते हैं जो कि आप जानते हैं एक कैरेक्टर है कॉडेट का ठीक है थ्री कैरेक्टर्स में से दिस इज वन ऑफ द वन कैरेक्टर ऑफ द कॉडेट फाइलम ओके सो दीज गिल्सलिट्स दे हेल्प इन रेस्पिरेशन नाउ दी साइक्लोस्टोम दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ इनके जो माउथ होते हैं वो सकिंग होते हैं क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट्स होती हैं तो ये क्या होता है जो होस्ट होता है उसके बॉडी से ही अपना फूड जो है अपना न्यूट्रिशन सक करके सक करके ये अपने आ, अपना जो फूड फुलफिलमेंट पूरी करते हैं खाने की ओके सो दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ जॉलेस माउथ होता है देयर बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड पेयर्ड फिन्स इनकी बॉडी में किसी भी तरह के स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और ना ही पेयर्ड फिंस होते हैं दैट्स वाई दे आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द पाइस इसीलिए इनको पाइसिस से अलग रखा गया है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज का बना होता है नाउ द सर्कुलेशन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये क्लोज टाइप होता है ओके okay? देट uh, मीन्स कि ब्लड जो है वो वेसल्स में फ़्लो करते हैं ओके वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें ब्लड फ़्लो करता है क्लोज टाइप का मतलब है कि ब्लड जो है वो वेसल्स में फ़्लो करता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में करता है और ओपन का मतलब होता है कि वेसल्स में फ़्लो नहीं करता है ओके okay, सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्टली उसमें बेथ होते रहते हैं ओके नाओ साइक्लोस्टोम्स जो हैं ये मेरीन होते हैं ओके दे आर मेरीन बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर अब स्पॉनिंग क्या होता है स्पॉनिंग एक प्रोसेस होता है कि जब इनको अपने अंडे देना होता है ठीक है अपनी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है अंडे देना होता है तो उस समय ये मूव कर जाते हैं फ्रेश वाटर में ओके और उसके बाद आ, अदरवाइज़ दे आर मेरीन वो रहते मेरीन में ही हैं पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीडिंग जब अंडे देने होते हैं तब वो फ्रेश वाटर पे चले जाते हैं एंड आफ्टर स्पॉनिंग विदिन अ फ्यू डेज दे डाई एंड सोन आफ्टर स्पॉनिंग जब वो अंडे दे लेते हैं ओके okay, फर्टिलाइजेशन हो जाता है सब कुछ उसके बाद ये जो है ये इनकी डेथ हो जाती है और इनके जो लावा होते हैं ठीक है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है सो so, जो लारवल स्टेज होती है ये आफ्टर मेटामोरफोसिस मेटामोफिस जब हो जाती है इसमें मीन्स जब ये अडल्ट में चेंज हो जाते हैं देन दे अगेन रिटर्न टू द ओशन ये फिर से मेरीन मेरीन इन्वायमेंट में वापस आ जाते हैं सो द एग्ज़ाम्पल्स आर दैट इज़ योर पेट्रोमाइज़ोन जिसको लैम्परे भी बोलते हैं एंड मिग्जिन दैट इज़ हैक फिश सो द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट खासकर जो आपके एन में दिए हैं अगेन आई एम सेइंग और इसके कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं कॉमन नेम क्या है एंड जोलॉजिकल नेम क्या है दोनों ही आपको याद रखें क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं ओके सो यू नीड टू लर्न द एग्जाम्पल्स नाउ नेक्स्ट क्लास में आते हैं नाउ द सुपर क्लास इज पाइसिस नाउ पाइसिस सुपर क्लास को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है कॉन्ड्रिकाइज एंड ऑस्टियोथाइस तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लास दैट इज कॉन्ड्रिकाइज नाउ ये जो है मेरीन एनिमल्स होते हैं और इनकी जो बॉडी है स्ट्रीम होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जैसे कि एरोप्लेन की होती है और बर्ड्स की भी होती है ताकि इनको जो है फ़्लोट करने में इजी रहे क्योंकि जब ये फ्लो करते हैं तो इनको फ्रिक्शन भी रिड्यूस करना होता है वाटर करंट के अगेंस्ट भी फ्लो करना पड़ता है तो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है वो हेल्प करती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में ठीक है और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो काटिलेजनस होता है उसी से नाम दिया गया है कॉन्डाइस ओके क्योंकि ऑस्टियोथाइज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बोनी होता है सो so ये नाम भी ये इसी बेसिस पे दिए गए हैं इनके एंडोस्केलेटन के बेसिस पे नाउ इसमें जो माउथ होता है दैट इज वेंट्रल वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होता है और नोटोकॉर्ड जो है इट परसिस थ्रू आउट द लाइफ पूरे लाइफ प्रेजेंट होती है नाउ गिल्स जो हैं गिल्सलेट्स होते, है, होते हैं ये सेपरेट होते हैं ओके okay, अलग अलग होते हैं एंड दे आर विदाउट ऑपरकुलम ऑपरकुलम क्या होता है गिल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑपरकुलम तो वो इसमें नहीं होती है प्लीज़ ये सारे आप जो जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इसको मेमोराइज रखिए याद रखिए क्योंकि अभी जब हम इसके बाद नेक्स्ट इसी का क्लास पढ़ेंगे ठीक है ऑस्टियोक्थाइज तो इसमें आपको कंपैरिजन देखना होगा क्योंकि एग्जाम में इन दोनों में कंपैरिजन पूछा जाता है क्योंकि ये जो ये जो क्लास हम पढ़ रहे हैं इसको काटिलेजनस फिश भी कहा जाता है और इसके बाद वाला क्लास पढ़ेंगे वो बोनी फिश तो वो कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिश के नाम से भी डिफरेंस पूछा जाता है या फिर कॉन्ड्रिक्थाइज और ऑस्टिक्थाइज़ के भी नाम से पूछा जाता है ओके स्किन इज नफ़ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड्स के स्किन जो है इनकी टफ़ होती है और स्केल्स जो हैं इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं स्केल्स बहुत तरह के होते हैं प्लेकॉइड गेनॉइड टीनोइड बहुत तरह तरह के हैं अब इसके बारे में हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कि ये अलग अलग हैं तो किस तरह इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है पर अभी आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें प्लेक्इड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ना जो टीथ होते हैं टीथ भी मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही होते हैं और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं मींस पीछे की तरफ डायरेक्ट होंगे पीछे के डायरेक्शन में ओके नाओ देर जॉज आर वेरी पावरफुल दीज एनिमल्स आर प्रोडेशियस ये प्रोडेशियस होते हैं मींस ये शिकार करके खाना खाते हैं एंड ड्यू टू द एबसेंस ऑफ एयर ब्लैडर ठीक है इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है जिसकी वजह से इनको बराबर स्विम करते रहना पड़ता है क्योंकि अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो क्या होगा ये ये डूब सकते हैं ये सिंक कर सकते हैं ओके क्योंकि जो ब्लैडर अगर प्रेजेंट होता है तो वो इनको बायंसी देता है बाय फोर्स डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से फिश जो है सरफेस पे रहती हैं पर इसमें एयर ब्लैडर नहीं होते हैं जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है आगे देखते हैं इनमें हार्ट जो है फिशेस में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है ओके वन औरल एंड वन वेंट्रिकल दैट मींस कि सिंगल सर्कुलेशन ब्लड भी होगा सिंगल तो सर्कुलेशन पाया जाता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ओके सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इसमें से कुछ फिशेज़ uh, होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं फॉर एग्जांपल टॉपिडो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जिसमें पाए जाते हैं नेम वन फिश ओके आगे बात करते हैं तो इसमें कुछ uh, uh, और कुछ जो होते हैं उनमें पॉइजन स्टिंग भी प्रेजेंट होता है जो कि पॉइजन इंजेक्ट कर देता है अपने प्रे में ठीक है और उसको मार देता है या पैरालाइज कर देता है एंड देन इट ईट तो इसमें एग्जाम्पल है ट्राइगॉन दे आर कोल्ड ब्लडेड फिशेज जो हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं दैट मीन्स कि ये अपना बॉडी uh, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती हैं ठीक है इनमें होम्योस्टाइस नहीं होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को पॉइकिलोथर्मस भी बोलते हैं ओके पॉइकिलोथर्मस वर्ड का मतलब ही होता है कोल्ड ब्लडेड एंड दे दॉट रेगुलेट देअर बॉडी टेम्परेचर ठीक है जैसे हम लोगों में कैपेसिटी होती है कि जाड़े में चाहे जाड़ा हो चाहे सर्दी हो लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनको इनका जो है इनको बॉडी टेम्परेचर जो है इनका सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है ओके क्योंकि ये रेगुलेट नहीं कर सकते ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं सेक्सेज सेपरेट होते हैं मेल एंड फीमेल आर सेपरेट मेल्स में पेल्विक फिन्स होती हैं जिनमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजर फर्टिलाइजेशन के टाइम ओके okay? क्योंकि इनमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है ओके okay? यूजली uh, हमने पढ़ा अभी तक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है पर ये जो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं कॉन्डिकाइट्स होती हैं इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और मेनी ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो वी वी पेरस होते हैं दैट मींस कि दे ले एग्स एग्जांपल्स हैं स्कोलियोडॉन कॉमनली नोन एज डॉग फिश प्रिस्ट जिसको सोफिश भी बोलते हैं दैन कैरकेराडॉन जिसको वाइट ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं दैन योर ट्राइगॉन जिसको स्टिंग रे भी कहते हैं ओके नाव मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास के बारे में अब हम बात करते हैं पाइसिस का ये सेकेंड क्लास है दैट इज़ ऑस्टियोथाइज ना इसमें जो है दोनों ही मेंबर्स होते हैं मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिश और इनका जो स्केलेटन है बोनी होता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था तो एक डिफरेंस सबसे पहला डिफरेंस आ गया बोनी एंडो स्केलेटन केस ऑफ ऑस्टूक्थाई नाउ बॉडी स्टीम लाइन माउथ जो है इसमें टर्मिनल होता है और हमने इससे पहले देखा था क्लास में माउथ क्या था वेंट्रल था ओके नाउ दे है फोर पेयर्स ऑफ गिल्स एंड दे आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम नाउ उसमें जो था कॉन्ड्युक् साइज में ऑपरकुलम जो था वो एबसेंट था स्किन में जो है कौन सी स्केल्स पाई जाती हैं इसमें साइक्लॉइड या टीनोइड स्केल्स और हमने कॉन्ड्युक्स में देखा था उसमें कौन सी स्केल्स थी उसमें थी उसमें प्लेकॉइड स्केल्स थी ओके हेयर एयर एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बाई एनसी बट इन केस ऑफ थाई दे लैक एयर ब्लैडर हार्ट इज टू टू चैम्बर सेम वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल दे आर कोल्ड ब्लडेड सेक्सेस सेपरेट And here the fertilization is external. This is the very important point. conduct me kya tha? Fertilization internal tha. And they are mostly oviparous and development is direct. But in case of Condyctis, they were वी वी पेरस मोस्टली वी वी पेरस सो ये इनके डिफरेंसेस हैं आप कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंसेस भी याद हो जाएंगे और कैरेक्टर्स भी याद हो जाएंगे ओके सो नो लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट यहाँ पे डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो आपका मेरीन की बात करें तो एग्जोसिट्स जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं हिपो इज़ द वेरी कामन एग्जाम्पल सी हॉर्स के नाम से हम जानते हैं हॉर्स सेप होता है बट इट इज़ अ फिश ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सी हॉर्स जो है वो हॉर्स वो आ, आपका टेट्रापोडा में आता है कि फिशेस में आता है सो so, ये एक कंफ्यूजिंग टर्म है ओके okay? तो ये आपको याद रखना है इसमें हिपो कैम्पस सी हॉर्स जो कि फ़िश है इट इज़ अ टाइप ऑफ फ़िश और ये पाइसिस को बिलोंग करता है फ्रेश वाटर की बात करें तो लेबियो है रोहू फिश लेबियो रोहिता देन काटला ओके okay, क्लैरियस जिसे मागुर भी बोलते हैं ओके okay, तो दीज आर द फ्रेश वाटर फिशेस एक्वेरियम की बात करें जो कि एक्वेरियम में रखते हैं ओके फॉर डेकोरेशन तो इसमें फिशेस जो होती हैं दैट इज़ बीटा जिसको फाइटिंग फिश कहा जाता है एंड देन टेरोफाइलम जिसको एंजल फिश कहा जाता है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमा कॉन्ड्यूक्स एंड ऑस्ट्रोथाइज ओके नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट क्लासेज ऑफ सुपर क्लास टेट्रापोडा, हम फोर क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच सो थैंक यू स्टूडेंट्स